हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी सांचे के चॉकलेट बाउल केक। मफिन्स की तरह बनाएंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हम आज की अपनी रेसिपी। एक बाउल ले लिया है, छन्नी रख लेंगे, एक कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, छान लेंगे, मिक्स कर लेंगे, एक साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है, 1/4 कप ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल की जगह पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 कप दही, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 1/4 कप यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है, बाद में ज़रूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे, 1/2 कप शुगर पाउडर। मिक्सी जार का ढक्कन लगा के सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। छाना हुआ मैदा ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्सी जार में रखी हुई सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 टीस्पून वनीला पाउडर, इसकी जगह पे आप एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को कट एंड फोल्ड वाले प्रोसेस से। केक का बैटर अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दूध ऐड कर लेंगे। अभी मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच दूध ऐड किया है, मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है, एक साइड में रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 छोटे छोटे बाउल्स ले लिए हैं, चारों बाउल्स में ऑयल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। चारों बाउल में मैंने ऑयल लगा लिया है, बाउलों में बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, सूखा मैदा रखेंगे थोड़ा थोड़ा सा। एक बाउल लेंगे, ऐसे चारों तरफ घुमा घुमा के डस्टिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो हटा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा मैदा है बाउल से हटा देंगे, केक का बैटर डाल लेंगे बाउलों में, ऐसे बीच से डालेंगे ताकि बाउलों के साइडों में ना लगे बैटर। बाउलों को पूरी तरह भरेंगे नहीं, क्योंकि केक जब बेक होता है तो फूलता भी है, तो उसके लिए हम जगह खाली रखेंगे। बाउलों को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इक्वल भी हो जाएगा और एयर बबल्स भी निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में नमक रख के प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। एक स्टैंड रख लिया है, बाउल ऐसे रख लेंगे, अच्छे से सेट करके 4 बाउल रखना है हमें तो जगह बना लेंगे। बाउलों को मैंने सही से सेट कर लिया है, ढक्कन लगा देंगे, कुछ वजन सा रख देंगे ताकि हीट बाहर ना निकल पाए। गैस का फ्लेम एडजस्ट कर लेंगे, लो से थोड़ा सा तेज पे रखेंगे। केक को हमें बेक करना है 20 से 25 मिनट तक। केक को बेक करते हुए मुझे 25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक टूथपिक ले लिया है, केक के बीचों बीच डाल के देखेंगे। टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है तो केक हमारा बेक हो चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे, एक एक करके बाउलों को कढ़ाई से बाहर निकाल के ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है, यहाँ पे एक चाकू ले लिया है, ऐसे करते हुए किनारे छुरा लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल गया है। बिना बटर पेपर के मैंने बेक किया था और ये बहुत स्पॉन्जी बना है। चारों बाउल के मफिन्स मैंने निकाल के टेबल पे लगा लिया है। क्रीम को मैंने पहले से व्हिप्ड करके रखा है, एक ग्लास ले लिया है, पाइपिंग बैग रख लिया है पहले से, स्टार नोज़र लगा लिया है। मफिन्स को सजाएंगे 2-3 शेड में, पहले इसमें हम वाइट क्रीम डालेंगे। रेड कलर ले लिया है, ये लिक्विड कलर है, ये बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। फिर से थोड़ा सा वाइट क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर ले लिया है, नाइफ़ ले लिया है, नाइफ से थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, एक साथ रखूँगी तो बहुत ज़्यादा डल जाएगा कलर। हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें शेड आ जाए। फिर से वाइट कलर,
थोड़े से क्रीम में मैंने पीला कलर मिक्स कर लिया है, इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। बस बैग को भर लिया है मैंने, इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक मफ़िन साथ में ले लेती हूँ। सजाना आपके अपने पसंद के ऊपर है, आपको जैसा पसंद हो वैसा सजा सकते हैं। मैंने इसमें रोज बना लिया है, हल्का हल्का सा लाल का शेड आ रहा है। दूसरा मफिन्स ले लिया है, इसमें मैं सिर्फ डॉट डॉट से बनाऊंगी। इसको जितना ऊपर तक ऐसे खींचेंगे ना उतना बड़ा सा बनेगा। ये आप देख पा रहे हो, इसमें सारे शेड आ रहे हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा आ रहा है पर सारे शेड आ रहे हैं। फिर से इसमें छोटू सा फ्लावर बना दिया है, साइडों से छोटा छोटा सा डॉट डाल लेंगे। क्रीम खत्म हो गया तो फिर से मैंने बैग भर लिया है। डिज़ाइनिंग और सजाना अपने पसंद के ऊपर है, जैसा दिल करे वैसा सजा सकते हैं। इसमें मैं छोटा छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ वाइट से बनाओ या कोई एक ही कलर से बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि कैसा लगता है मल्टी कलर। आप देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं और सजा लेती हूँ। मल्टी कलर का मैंने स्प्रिंकल ले लिया है, कहीं कहीं पे डाल देते हैं। ये बच्चों के पसंद का है तो बच्चों को तो जितना लाल पीला कलर में सजा कर देंगे वो खाने से ज़्यादा देख के ही खुश हो जाते हैं। आप देख पा रही हो स्प्रिंकल डालने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेचुरल फ्लावर है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये स्प्रिंकल डालने से। मैंने सब पे ही मल्टी कलर के स्प्रिंकल डाले हैं। आप चाहो तो अलग अलग कलर के और अलग अलग डिजाइन के स्प्रिंकल डाल सकते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है, बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से बन जाता है। जब भी बच्चों को सरप्राइज देना हो तो फटाफट से बना दीजिए, बच्चे तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी सांचे के छोटे छोटे बाउलों में मफिन्स बना सकते हैं और व्हिप्ड क्रीम से सजा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।